तो फिलहाल शिक्षा मंत्री जी का जो मनसा है उसके अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट में है, बाकी गजट नोटिफिकेशन में तय होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, अपन इसको सही नहीं मान सकते। दूसरे मुद्दे की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल एक अधिवेशन था कॉलेज एजुकेशन के प्रोफेसर का, मैं भी उसमें मौजूद था। वहां माननीय जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक बयान दिया कि हम हर माह समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के आधार पे हर विभाग में जो भी खाली पद होंगे उसके आधार पे भर्ती निकालेंगे। तो इसको दो तरीके से बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया है, मैं समझा दूं आपको। देखो कुछ छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, वहां छोटे डिपार्टमेंट में मान लीजिए 3 महीने में कोई पोस्ट खाली हो गई तो वहां 4 पद की वैकेंसी निकल गई, 5 स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जैसे ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, कोई भी उद्योग विभाग है वहां पे 4 पद निकल गए। वो छोटे जो प्रशासनिक विभाग होते हैं ना, वहां 2 से 4 महीने में कोई वैकेंसी निकाली जा सकती है। लेकिन आपके दिमाग में आओ क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर महीने निकाली जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बजट 10 जुलाई को जो पेश हो रहा है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसियों का ब्यौरा तैयार करवाया जा रहा है, ये 100% सत्य है। मतलब बजट में आपकी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की वैकेंसियां आ रही हैं, ये निश्चित है। ग्रेड फर्स्ट में आरपीसी वाइस प्रिंसिपल, इसी प्रक्रिया के तहत वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी का कार्य काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया, 5,000 से अधिक, लगभग 10,000 के आसपास है। तो स्कूल व्याख्याता में काफी सारे पद जो है वो खाली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अदर है डीपीसी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड से प्रिंसिपल में, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, और इन खाली पदों के आधार पे इन्होंने अपने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के आधार पे ये बजट में आपकी तीनों वैकेंसियां जो है वो निकालेंगे, और केवल तीनों वैकेंसियां नहीं निकालेंगे, ये अदर डिपार्टमेंट की या सीटी के जरिए जो आपकी छोटी मोटी भर्तियां होती हैं एलडीसी वगैरह पटवारी वगैरह, वो सब डिपार्टमेंट में ये भर्तियां आपके सामने आने वाली हैं। तो सुनिश्चित रहे वैकेंसी 100% आ रही है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। बस बीच में आपके दर्द ये दे दिया कि पहले बड़ा इजी वे में आप खुश होते थे वैकेंसी को जान के, अब आपके दिमाग में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, आप सब उलझ के रह गए हैं। लड़कियां अपना अलग चला रही हैं, लड़के अपना अलग चला रहे हैं। क्या गलत क्या, बस मैं चर्चा करता हूं।